आपने दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में तो सुना होगा। अगर हम धरती की बात करें तो अमेज़न जंगल हमारी धरती का हार्ट है, मींस हमारी धरती का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही प्रोड्यूस होता है। तो चलिए जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, ये हमारा भारतवर्ष है, इसके आगे है अरेबियन सी, उसके बाद अफ्रीका के कुछ देश आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है ओशियन, और इसके बाद आ जाएगा ब्राजील। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है अमेज़न जंगल। तो जानते हैं इस जंगल को करीब से। अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आप जानते हो कि अमेज़न के जंगल में लगभग 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ इतने घने और बड़े हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। मतलब दोस्तों सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। विश्व का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगलों से ही आता है। क्या आप जानते हो कि अमेज़न जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी बहुत ज्यादा है। आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा है, जो पृथ्वी के लगभग 4% हिस्से में फैला हुआ है। और क्या आप जानते हो कि अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर पानी की स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या आपको पता है कि दुनिया का 20% रिवर अमेज़न की नदी में जाकर मिलती है, और बारिश के दिनों में जब इस नदी में पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है तो कहीं कहीं तो नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है हम किसी ओशन को देख रहे हैं जिसके छोर का कोई अंत ही नहीं होता। क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल में 17,000 से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है, और क्या आपको पता है कि यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा केवल कीड़ों की प्रजाति पाई जाती है। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि अकेले अमेज़न जंगल में और अमेज़न रिवर में 5,000 से भी ज्यादा मछली की प्रजाति पाई जाती है। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस जंगल में 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर की प्रजाति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव जंतुओं की। नंबर 6, क्या आप जानते हो कि अमेज़न के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसका साइज दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है, और इसके केवल पंख की लंबाई ही 3 फीट से ज्यादा होती है, और इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है, और ये अपने वजन से दुगना वजन अपने पंजों में उठाकर उड़ सकता है, जिसी के कारण इसका फेवरेट शिकार बंदर माना जाता है, और ये बड़ी जानवरों के बच्चों को शिकार बनाता है। ये पक्षी दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, पर धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। नंबर 5, अमेज़न के जंगल में सबसे खतरनाक जानवर खूनी जैगुआर को माना जाता है। ये एक प्रकार का तेंदुआ जाति का जानवर है जो बहुत ही फुर्तीला होता है। ये इंसानों से दूर रहता है और जानवरों का ज्यादा शिकार करता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कई जगह पर पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। यहाँ का पानी दोस्तों बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। अगर यहाँ के जनजाति लोगों में से किसी की मौत हो जाती है तो वो लोग इस बॉडी को दफनाने और जलाने की बजाय वो लोग उस बॉडी को नदी में डाल देते हैं। और कुछ जनजातियों का ये भी मानना है कि इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। नंबर 3, एनाकोंडा सांप आपने बॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जहाँ पर एक ही जगह पर कई बड़े बड़े सांप घूमते रहते हैं और इंसानों को डायरेक्टली निगल जाते हैं। लेकिन रियलिटी में अमेज़न जंगल में इतना बड़ा एनाकोंडा नहीं पाया जाता। हाँ, अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा सांप पाया जाता है, लेकिन उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट तक होती है, जिसके अंदर जहर तो नहीं होता है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होता है। ये छोटे बड़े जानवरों को निगल कर ही खा जाता है, और अगर ये एक बार किसी बड़े जानवर को निगल कर खा ले तो इसको महीनों भर कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये ज्यादातर दलदलीय और पानी वाले स्थानों पर ज्यादा पाए जाते हैं।
नंबर 2, क्या आप जानते हो कि अमेज़न जंगल में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। चटक सुनहरी रंग के ये मेंढक देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने तक का जहर होता है। ये मेंढक दोस्तों बहुत कलर में पाए जाते हैं और ये बारिश के दिनों में बहुत ही ज्यादा दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग और टूरिस्ट जब यहाँ घूमने आते हैं तो वो इस मेंढक को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये मेंढक बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। नंबर 1, बुलेट एंट। बुलेट एंट दोस्तों एक ऐसी चींटी है जो कि बहुत ही छोटी होती है। आपने दोस्तों बहुत सारी चींटियां देखी होंगी, लेकिन बुलेट एंट जैसी चींटी कभी नहीं देखी होगी। इसका डंक दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये चींटी किसी इंसान को काट ले, एक तरफ गोली जैसे लगती है वैसा अनुभव इंसान को होता है। इसी वजह से इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसके काटे जाने पर बहुत ही असहनीय दर्द होता है, जिसको सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसे काटने पर आदमी को बुखार भी हो जाता है। ये चींटी अमेज़न के जंगलों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।